हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने जितने भी सिद्धांत को पढ़ा, विस्थापन का सिद्धांत रहा हो, चाहे वो आपका जो है होम्स का सिद्धांत रहा हो, जितना भी सिद्धांत आपने पढ़ा, उन सभी सिद्धांतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सभी लोग मानते हैं वह सिद्धांत कौन सा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ध्यान दीजिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसी टॉपिक ज्योग्राफी की ऐसी टॉपिक है जो लगभग पूरे के पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को समेट कर रखती है। तो इस सिद्धांत को आप हल्के में मत लीजिएगा। और मेन चीज जो मैंने आपसे कहा, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपने यहां पे डाउट किया तो याद रखो, कभी भी आप महाद्वीपी पेटियों की बात करूंगा, मैं महाद्वीपी नितल की बात करूंगा, महासागरी नितल की बात करूंगा, उनकी पेटियों की बात करूंगा, पर्वत निर्माण की बात करूंगा, ज्वालामुखी की बात करूंगा, या फिर मैं आपसे सीधे फीधे क्रेटर वगैरह की बात कर दूंगा, या फिर मैं आपको भूकंप के ऊपर बात करूंगा, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि सबका सब तथ्य आकर कहां जुड़ा हुआ है? इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको एकदम इत्मीनान से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हर एक बातों को याद रखना है, समझना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत को लेकर के तीन लोगों का नाम हमारे सामने आता है। कितने लोगों का नाम आता है? तीन लोगों का नाम हमारे सामने आता है। तो बात आती है वो तीन लोग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, पहले इंसान का नाम है हैरी हेस। क्या नाम है? पहले है हैरी हेस। ठीक है, ये हो गया आपका हैरी। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, सर आपका अक्षर बड़ा छोटा होता है, मैं बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हैरी हेस। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा नाम है विल्सन। दूसरा नाम है क्या? विल्सन। और तीसरा नाम है मॉर्गन। क्या नाम है? मॉर्गन। ठीक है, ये तीन लोग हैं जिनका नाम आके जुड़ा है किससे? इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। कैसे? इन तीन लोगों ने मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझा और उसको एक सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसमें से भी जो सबसे फेमस है, वो कौन है? तो उनका नाम है विल्सन। विल्सन इन तीनों में सबसे फेमस है। क्यों? क्योंकि विल्सन ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था कौन सा शब्द? प्लेट। तो याद रखिए, प्लेट जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विल्सन ने दिया था। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि वेगनर जो था, वेगनर ने पेंजिया दिया, पैंथालासा सागर के बारे में बताया, टेथिस सागर के बारे में बताया। ठीक है, ये सारी चीज, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जो चीजें भी हमने देखा, वो सभी तथ्य किसके द्वारा दिए गए थे? वेगनर के द्वारा दिए गए थे। उसी तरह से अगर हम यहां पे बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो प्लेट जो शब्द है, इस शब्द को किसने दिया है? तो याद रखिए, विल्सन ने दिया है। कई बार आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम इतनी बातें आप याद रखिएगा। तो ये प्लेट हो गया। अब बात आती है कि सर ये चैप्टर ही देखिए तीन चीजों से मिलकर बना है, प्लेट टेक्टोनिक और थ्योरी यानी सिद्धांत। तो ये सिद्धांत मैं भी अलग रखता हूं, प्लेट धन टेक्टोनिक। ये प्लेट क्या होता है और ये टेक्टोनिक क्या है, हमें दो चीजों को समझना है। दोस्तों प्लेट क्या होता है ये बताइए, इन तीन लोगों ने प्लेट किसे कहा? दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि प्लेट क्या होता है, प्लेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे उसको परिभाषित किया जाएगा, तो याद रखिए, विल्सन के अनुसार प्लेट का अर्थ होता है अस्थल मंडल का वह दृढ़ और कठोर भाग। किसका? अस्थल मंडल का। किसका? अस्थल मंडल का। ये जो अस्थल मंडल है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, इसका जो दृढ़ और कठोर भाग है, यहां पर नोट करिएगा, अस्थल मंडल का, अस्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जिसकी मोटाई लगभग, देखिए लगभग बोल रहा हूं, हर जगह पे अलग अलग मोटाई होती है, इसलिए मोटाई को लेकर के आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। लगभग 100 किलोमीटर के आंकड़ा हम पकड़ ले रहे हैं कि कितना है, लगभग 100 किलो। ये मेरे शब्द नहीं, विल्सन के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, विल्सन के शब्द है। विल्सन ने बातें कहा था कि अस्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग या वह दृढ़ एवं कठोर हिस्सा जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, जिनका निर्माण क्रस्ट माने समझते हैं, क्रस्ट माने होता है भूपरपटी। क्या होता है? भूपरपटी, यानी जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का हिस्सा है जिसमें अपना निवास करते हैं, खेती वगैरह चलता है, ये होता है क्रस्ट या भूपरपटी, जिसका निर्माण क्रस्ट एवं, याद रखिए, मेंटल, क्रस्ट एवं मेंटल की ऊपरी परत,
ऊपरी परत परत से हुआ है प्लेट कहलाता है, हुआ है उसको क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। इतनी बातें याद रखेगा, कौन कौन सी बातें फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए विल्सन ने यहां पर क्या कहा, विल्सन ने कहा कि प्लेट का तात्पर्य क्या है, स्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है और उसका निर्माण क्रस्ट यानी कि भूपरपटी और मेंटल की ऊपरी परत से हुआ है। समझ में आ रहा है, मेंटल के ऊपरी परत से हुआ है प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। दोस्तों एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा मैप के माध्यम से, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब के सेंटर वाला जो हिस्सा होता है उसको कोर कहा जाता है, ठीक है। कोर किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये नीफे से बना होता है। नीफे में नी का मतलब होता है निकिल, यफी का मतलब होता है फेरस। क्या होता है, नीफे में यनाई का मतलब होता है निकिल, यफी का मतलब होता है फेरस। इसके बाद जो सबसे मोटी परत होती है, ठीक है, वो आपके मेंटल की परत होती है, ठीक है। ये आपके मेंटल की परत है, ये वाली जो मोटी वाली परत है इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल में भी दो मेंटल होता है, एक ऊपरी मेंटल होता है, एक आंतरिक मेंटल होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए क्या है, ये वाला हिस्सा मान लीजिए आपका ऊपरी मेंटल है, क्या है, ऊपरी मेंटल, और बाकी अंदर का जो हिस्सा है ये आपका क्या है, आंतरिक मेंटल है, ठीक है। तो मेंटल में भी क्या हो जाएगा, ऊपरी और आंतरिक, ठीक है, यानी बाहरी यानी बाह्य और आंतरिक, यानी ऊपरी और निचला मेंटल, ठीक है, ये दो याद रखेगा। और इसके बाद जो सबसे बाहरी हिस्सा है इसी को नाम दिया जाता है भूपरपटी का, क्या बोलते हैं इसको, भूपरपटी, समझ रहे हैं। तो यहां पर विल्सन ने कहा कि ये जो मोटा वाला हिस्सा भूपरपटी है उसके साथ साथ ये जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है उसको संयुक्त रूप से प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेट। तो एक चीज याद हो गया होगा कि सर प्लेट क्या होता है, आप कभी पूछेंगे नहीं हमसे दोबारा, याद रखिए, एकदम इत्मीनान से याद रखिए। अभी और बताऊंगा प्लेट के बारे में आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा शब्द दिया दोस्तों टेक्टोनिक, प्लेट तो समझ में आ गया, अभी टेक्टोनिक क्या होता है। दोस्तों टेक्टोनिक एक्चुअली में इंग्लिश शब्द है, यहां पर चैप्टर का नाम होना चाहिए था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या इसका पूरा नाम है, प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी सिद्धांत। और विवर्तनिकी मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज का विस्थापन होना, किसी चीज का खिसक जाना अपने स्थान से, जो विस्थापन होता है उसी को विवर्तनिकी कहा जाता है। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट होती हैं वो गतिमान होती हैं, वो गतिशील अवस्था में होती हैं, रुकी और स्थिर नहीं होती, वो चलती रहती हैं। क्या करती हैं, वो चलती रहती हैं, इसीलिए यहां पर कहा गया विवर्तनिकी या टेक्टोनिक। तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, याद रखिएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या था कि जो हमारी प्लेट है, अब प्लेट समझ गए आप क्या है, वो क्या रही, गति कर रही है, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेक्टोनिक। अच्छा, अब बात आती है कि सर आपने कहा कि प्लेटों का विस्थापन हो रहा है, प्लेटें गति कर रही हैं, तो गति करने से क्या होता है, अगर प्लेट गति करेंगी तो क्या उससे नुकसान कुछ, जी हाँ, नुकसान फायदा की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आप समझिएगा। अगर प्लेटें गति कर रही हैं तो प्लेटों का जो किनारा होगा, जो सीमांत हिस्सा होगा, वहां पर कई सारे भूगर्भिक घटनाएं घटेंगी, कई सारे भूगर्भिक घटनाएं घटेंगी, ठीक है, ये आप समझिएगा। कैसे घटेंगी अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे, प्लेटों के गतिशील होने की वजह से। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल आपको चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए दो प्लेटें हैं, एक यूरेशिया की प्लेट है और एक आपके जो है इंडियन प्लेट है। जब यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में जाएंगी, गतिशील होंगी, जब इसे टकराएगी तो जो सीमांत वाला एरिया है, साइड वाला एरिया है, किनारा वाला हिस्सा है, क्या वहां पर भूगर्भिक घटनाएं घटेंगी, जाहिर सी बात है घटेंगी। यानी बहुत सारी कहानियां होती हैं, वो कहानियां हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया, इसलिए इसको नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है, चलिए अब इसको मिटाता हूं और अच्छे से आपको डिफाइन करता हूं इस थ्योरी के बारे में। देखिए आज का आपका चैप्टर जो है वो मूल रूप से इस थ्योरी पर ही है, ठीक है। आज आपको बहुत सारे कांसेप्ट आपके आज क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि विल्सन ने, हैरी हेस ने और मॉर्गन ने जो अपना सिद्धांत दिया उसके लिए कुछ मान्यता लिया। मान्यता माने क्या होता है, एजुम्सन, यह आपको मानना ही मानना है। मतलब अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 + 2 = 4 होता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जहां प्लस का सिंबल होता है उसका मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करना है। यानी प्लस का मतलब ही क्या होता है, एडिंग, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लस हम मानेंगे ही नहीं, हम गुणा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये
प्रेजम्पशन होता है, मान्यता होती है, उसी तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की भी अपनी क्या है, मान्यता है। क्या है? अपनी कुछ मान्यताएं हैं, और यदि आप उन मान्यताओं को पढ़ोगे तभी आप इस थ्योरी को डिफाइन कर पाओगे, अच्छे से उसको परिभाषित कर पाओगे, समझ पाओगे। अब देखो पहली मान्यता क्या है दोस्तों, पहली मान्यता मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि वेगनर ने कहा था कि महाद्वीपीय प्लेटें तैर रही हैं, ठीक है, और यहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताएगा कि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं दुर्बलता मंडल पर तैर रही, कहां पर? तो याद रखिए, इसका पहला एजम्पशन यह है कि जो प्लेटें हैं, जो प्लेट हैं, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, जो प्लेट हैं वो तैर रही हैं, और कहां पे तैर रही हैं, तो याद रखिएगा दुर्बलता मंडल, ठीक है, दुर्बलता मंडल पर ये प्लेटें क्या हो रही हैं, तैर रही हैं। तो इतना याद रहेगा, गलती नहीं करेंगे ना। एक एजम्पशन आप सभी को याद होना चाहिए, क्या, कि ये जो स्थल मंडल है, यानी जो हमारा, अच्छा प्लेट को हम शॉर्टकट में स्थल मंडल भी तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्लेटें हैं या जो हमारा स्थल मंडल है, ये दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि कैसे तैर रही हैं, तो आप बताइए कि जो घनत्व है, किसका, इस प्लेट का घनत्व और दुर्बलता मंडल का घनत्व, ठीक है, ये जो घनत्व है उसमें याद रखिए कि स्थल मंडल या प्लेटों का जो घनत्व है वो दुर्बलता मंडल की तुलना में कम है, तभी तो तैरेगा कोई चीज कैसे तैरेगा बताओ। स्थल मंडल का जो घनत्व होगा, यानी जो प्लेट का जो घनत्व होगा वो कम है, किसके अपेक्षा में, दुर्बलता मंडल में। जो चीजें कम घनत्व वाली होती हैं वो तैरने लगती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि शनि ग्रह को अगर पानी में डाल दिया जाए तो तैरने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि शनि ग्रह का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है कि अपेक्षा कम है, इसलिए वो तैर रहा है, ज्यादा होता तो डूब जाता, बस इतनी सी बातें हैं, इस वजह से दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। जैसे भाई आपसे कोई पूछ भी सकता ना कि प्लेटें कैसे दुर्बलता मंडल पर तैर रही है, तो बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। दुर्बलता मंडल क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, एकदम परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये इसमें पहला एजम्पशन था, पहली मान्यता थी, ठीक है। दूसरी मान्यता विल्सन लोगों ने क्या समझाया, एक सेकंड, वायर जो है फंस रहा है पैर में, तो दूसरा याद रखिए, दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा मान्यता इन्होंने दिया कि ये जो प्लेटें हैं, ये जो विस्थापित हो रही हैं, जो विवर्तनिकी की हम लोगों ने बात किया कि प्लेटें गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, और उसका वजह क्या है, तो यहां पर मान्यता में बताया गया कि प्लेट टेक्टोनिक की जो वजह है, प्लेट टेक्टोनिक का कारण क्या है, तो यहां पर बताया गया संवहनीय धाराएं हैं। क्या हैं? संवहनीय धाराएं, और ये चीजें हम लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। संवहन धारा सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोर से क्या होती हैं, ये संवहनीय धाराएं उठती हैं और आकर के क्रस्ट से टकराती हैं, टकराने के बाद मुड़ जाती हैं, और यही इन धाराओं की वजह से ये गतिशील हैं प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट क्यों गतिशील है, अगर ये कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उनको बताइए कि इसके पीछे क्या रीजन है, संवहनीय धारा रीजन है। संवहनीय धाराओं के कारण ही प्लेट जो है वो अपने स्थान से क्या कर रही है, खिसक रही है, वो गति कर रही है, मतलब इसमें अंतरजात शक्तियां विद्यमान हैं। कोई दिक्कत आपको, याद रखिएगा, एक चीज हो गई। अब देखो, गति अगर करेंगी प्लेटें तो जो प्लेट के किनारे वाले हिस्से होंगे क्या वहां पर भी कोई भूगर्भिक घटनाएं घटेंगी? जी हाँ, याद रखेगा, यहां का तीसरा एजम्पशन है कि प्लेट के किनारों पर भूगर्भिक घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, ये जो है आपकी घटित होती। कैसे, एक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, एक प्लेट आपकी यहां पे, एकदम ये यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है, एक प्लेट ये भी आपकी है, ये प्लेट इधर की तरफ जा रही है और ये प्लेट इधर की तरफ जा रही है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच में घर्षण होगा तो यहां पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, बताइए, प्रभाव बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। आप कहोगे सर ऐसे ऐसे क्यों माने, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, ये जो किनारे का हिस्सा होगा यहां पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। आप कहोगे मान लीजिए दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, ये भी तो हो सकता है दूर जा रही है, तो भी प्रभाव पड़ेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें मान्यता लिया गया कि प्लेटों के विस्थापन के कारण
यानी प्लेट जो गतिशील है उनके कारण प्लेटों के किनारों पर भूगर्भिक घटनाएं घटित होती है किनारों पर, जबकि आंतरिक भाग हलचल से मुक्त होते हैं। आप समझो बात को, यहां पे जो आदमी होगा उसको क्या प्रॉब्लम है, जो आदमी किनारे पर होगा उसको प्रॉब्लम है, जो आदमी बीच में होगा प्लेट के उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो किनारे पर होगा दिक्कत का सामना उसको करना पड़ेगा, यानी जो हलचल है जो घटनाएं हैं वो किनारों पे घटती हैं। यही रीजन है कि जापान में आप सुनते होंगे कि बहुत ज्यादा भूकंप आता है, दिन में 10 बार भूकंप आता है, और भारत में ऐसा होता नहीं है। तो जो जापान है वो किनारे पर स्थित है, प्लेट के किनारे पर है, ठीक है, छोटा भी प्लेट है और किनारे पर भी है, इस वजह से वहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हम प्लेट के सेंटर में आते हैं, तो जो हिस्सा प्लेट के सेंटर में वहां पर किसी भी तरह की भूगर्भीय घटनाएं घटित नहीं होंगी, और जो हिस्सा किनारे पर होगा बाहरी होगा वहां पर जो भी चीजें हैं वो घटित होती है। तो ये तीन एजेंशन हो गया। चौथा एजेंशन देखिएगा, चौथा एजेंशन कहा गया कि प्लेट के विस्थापन के आधार पर बहुत सारी चीजों की व्याख्या किया जाता है। क्या क्या, आपको इसी के आधार पर पर्वत की व्याख्या की जाएगी, वलित पर्वत क्या होते हैं, कौन कौन से पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखियों का निर्माण कैसे होता है, आप देखेंगे आगे चल करके कि भूकंप कैसे आता है। तो यानी याद रखिए कि प्लेट टेक्टॉनिक थ्योरी के आधार पर ही इन तथ्यों की भी व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या, तो याद रखिए पर्वतों की व्याख्या, याद रखिए ज्वालामुखी की व्याख्या, ज्वालामुखी की व्याख्या, याद रखिए आपका भूकंप की व्याख्या। ये कैसे होगा, इन सभी चीजों की व्याख्या का आधार भी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। समझ में आ गए इतनी बातें, तो ये बातें याद रखी, ये एजम्पशन है जो आपको मानना है, मजबूरी है मानना है। कि मान्यता का मतलब ही क्या है कि उसको मानो, जैसे इस समय सावन चल रहा है तो हमारी मान्यता है कि सावन माह में जो है नॉनवेज जो लोग भी खाते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, एक मान्यता है, ये क्या है, एक मान्यता है। तो मान्यताओं को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि मान्यताएं इसीलिए बनाई गई कि उनको माना जाए, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये हो गई मान्यता आपकी। चलिए अब हम लोग अपनी ओरिजिनल क्लास शुरू करते हैं। ये तो हमारी बस खाली इस एक लाइन की व्याख्या में क्लच चला गया क्लास, ठीक है। अब आपके सामने दो तीन बातें कि सर ये जो आपने बताया प्लेट, प्लेटों को कई सारे भूगोल वेत्ताओं ने आकर के कई तरीके से प्लेटों को डिफाइन किया। जैसे कुछ ने कहा आकार के आधार पर प्लेटें तीन तरह की होती हैं, आकार के आधार पर, ठीक है। कुछ ने कहा संरचना के आधार पर भी प्लेटें होती हैं तीन तरीके के, कुछ लोगों ने कहा कि उनके बनावट के आधार पर भी प्लेटें होती हैं, ठीक है, दो तीन तरीके की। तो ये सब है क्या, कैसे समझाया जाए कि प्लेटें हैं क्या। तो यहां पर नोट कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर प्लेटों के कुल तीन तरीके बताए गए, कुल तीन हिस्से में बांटा गया प्लेट, एक बड़ी प्लेटें, दूसरा छोटी प्लेटें, तीसरा उप प्लेटें। तीन प्लेटें हैं, यहां पे नोट करिएगा आप लोग, बड़ी प्लेटें, ठीक है, सबसे पहले क्या है, बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेट, बड़ी प्लेट को दोस्तों यहां पे बृहद प्लेट भी कह सकते हैं, क्यों, बृहद प्लेट। दूसरा याद रखिएगा छोटी प्लेट, ठीक है, छोटी, तो लघु प्लेट बोल सकते हैं, क्यों, लघु प्लेट, इसको क्या बोल सकते हैं, लघु प्लेट। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों यहां पर उप प्लेट है, कौन सा है, एक नया प्लेट आप समझ रहे होंगे, उप प्लेट, ठीक है, ये उप प्लेट भी याद रखिएगा। ये तो कहा गया आकार के आधार पर। अच्छा एक चीज और बताया गया, अब आपके मन में होगा सर कितनी प्लेटें हैं हमारे पूरे इस पृथ्वी पर, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे वर्ल्ड ज्योग्राफी और अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो शुरुआत हो रहा है चैप्टर का, अभी तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी ही बाकी है, यहीं से तो कहानियां बनती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, तो बताइए बड़ी प्लेटों की संख्या 8 है, कितनी है, 8 है। कोई पूछेगा किसने कहा 8 है, तो बताइए नासा ने कहा है, किसने कहा है, एक लाइन बात बताइए, नासा ने कहा है कि बड़ी प्लेटों की संख्या क्या है, 8 है। एक्चुअली मैं अगर उस बहुत जानना चाहता है तो पूरी उसको विल्सन और उठा करके मॉर्गन और उठा करके हैरी हेस, इन तीनों की बात बता देना कि तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। दूसरा लिखिएगा छोटी प्लेटें या लघु प्लेटें, किसी किसी किताब में 20 है और कहीं कहीं पर 23 है, दोनों लिख लीजिए, ठीक है, लघु प्लेटों की संख्या 20 या 23 है और उप प्लेटों की संख्या 39 है, याद रखिएगा। तो आपको सब कुछ मिलता होगा, उप प्लेटें नहीं मिलता होगा, मिल गया आज नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी होता क्या क्या है दोस्तों, यहां पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैंने कहा ना रटना नहीं आपको, आज तो बिल्कुल नहीं रटना है, जब रटने वाली बात रहती मैं बोल देता हूं भाई रट लीजिए, इसका कोई और रास्ता नहीं है, आज रटना नहीं, आज समझना है। देखिए
जो प्लेट हुआ ना, इस प्लेट के बारे में कहा गया या तो प्लेट बड़ी होगी, जैसे आपसे कहूं मैं कि ये जो पूरी पृथ्वी पर ढेर सारी प्लेटें हैं, चाहे वो महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, सब प्लेटों पर ही हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उप प्लेट हो सकता है, ठीक है। अभी बड़ा प्लेट मतलब जो बहुत बड़ी प्लेट है आकार में, उनको बड़ा प्लेट कहा जाता है। उनमें कुल 8 चीजों को शामिल किया गया। आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि वे 8 प्लेटें कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको भी लिखवा देता हूं, 8 प्लेटें कौन कौन सी हैं। एक तो आपका सिंपली याद रखेगा, एक आपका उत्तरी अमेरिका वाला प्लेट हो गया। ये थोड़ा सा मार्कर आज सही नहीं लग रहा यार, आ नहीं रहा ना सही पे, दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा। चलिए ब्लैक वाला ही ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। एक उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दूसरा आपका दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, तो देश के आधार पे आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों ये अफ्रीकन प्लेट आप ले सकते हो, अफ्रीकन प्लेट ले सकते हो। चौथा ले लीजिए आप यूरेशियन प्लेट, यानी यूरोप और एशिया वाला जो है ये यूरेशियन प्लेट पे आते हैं, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट और उत्तरी अमेरिका की प्लेट, ठीक है। ये 4 प्लेटें हो गई। पांचवा नोट करिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठा लिखिएगा अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट। और सातवां लिखिएगा आप यहां पे प्रशांत महासागर प्लेट, ठीक है, प्रशांत महासागरी प्लेट, ठीक है। और आठवां लिखिएगा आप अरेबियन प्लेट, हालांकि अरेबियन तो छोटा होता है, अरेबियन प्लेट मत करिएगा, आर्कटिक प्लेट करिएगा, ठीक है, एक बार यहां पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 प्लेटें होती हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए 8 प्लेटों के बारे में, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो इनको आप जो है रट लीजिए, ये टोटल 8 प्लेटें होती हैं। इस तरह से ये 8 प्लेटें हो गई। उसी तरह से अगर छोटी प्लेटों की बात करें तो आप कहोगे सर मेडागास्कर है, ये भी तो एक प्लेट पर है, इंडोनेशिया का प्लेट हो गया, जो अरेबियन कंट्री है वहां पर की जो प्लेटें हो गई, या जो कैरेबियन कंट्री है, अरे अमेरिका के पास में कैरेबियन कंट्री है ना, जहां पर क्यूबा वगैरह है, वो सब प्लेटें हो गई। फिलीपींस के पास में देखेंगे बहुत सारी प्लेटें हैं, ये सब जो है छोटी प्लेटों में आ जाती हैं। इसी तरह से उप प्लेटों में क्या आता है, तो उप प्लेटों में दोस्तों जो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी प्लेट, बहुत ज्यादा छोटी छोटी प्लेटें, उनको हम कहते हैं उप प्लेट में। तो ये बस खाली बताया गया है, मेन आपका छोटी और बड़ी है। उप प्लेटों में 39 हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और हो सकता है आगे भविष्य में और ज्यादा खोज हो तो और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ये आकार के आधार पर है। आगे बढ़ते हैं, स्वरूप के आधार पर कितने तरह से बताया गया है कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। स्वरूप के आधार पर देखिए, अभी आप लोग मैं तो आप लोगों से ही कहूंगा कि फोकस करिए पढ़ने पर, क्योंकि ये सारा नोट्स आपको लिखा लिखा है मिल जाएगा। अगर आप लिख ले रहे हो साथ में, आपको परेशानी नहीं हो रही तब तो ठीक है, अब परेशानी हो रही तो मत लिखिए, ठीक है। आगे देखिए, स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर दोस्तों प्लेटें कितने तरीके की होती हैं। अच्छा, झूठ मूठ के लोगों ने बांट दिया है इतने प्रकार में, अरे बताया होता आराम से एक दो टाइप का, इतने टाइप का पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए, स्वरूप के आधार पर तो दो स्वरूप आप जानते हैं प्लेटों का, एक या तो महासागर होगा या तो महाद्वीप होगा, बताइए, दो तो सिंपल सी प्लेटें हैं, स्वरूप पूछ रहा है ना, तो स्वरूप पे दो प्लेटें बिल्कुल सिंपल है, या तो महासागर होगा यानी महासागरी प्लेट, बताइए, या तो महासागरी प्लेट होगी और दूसरा क्या होगा, या तो महाद्वीपी प्लेट होगी, महासागरी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। और तीसरा कौन सा आप टाइप है, तो याद रखेगा तीसरा टाइप है इसका संयुक्त प्लेट, ठीक है, संयुक्त प्लेट, ये आपका तीसरा टाइप है। ये मैं बता रहा हूं स्वरूप के आधार पर, किसके आधार पर, स्वरूप के आधार। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं एकदम। अरे यार एक बात बताओ, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने आपको अभी तो कुछ रटाया तो है नहीं, आंख बंद करके सोचो मैंने क्या पढ़ाया। मैंने कहा आकार के आधार पर तीन टाइप, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, उप प्लेट। बड़ी प्लेट मतलब क्या, जो बड़ा हो, 8 टाइप का है। छोटी प्लेट मतलब क्या, जो छोटा हो, कितने हैं, 20 हैं, 23 हैं, 20 और 23 कुछ किताबों में। और उप प्लेट क्या है, 39 है, बता दिया आपको, नाम बता दिया उनके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, स्वरूप के आधार पर, तीन टाइप का प्लेट कैसे, या तो महासागर होगा या तो महाद्वीप होगा या तो दोनों की क्वालिटी उसके अंदर मर्ज होगी। महासागरी प्लेट में क्या है, महासागरी प्लेट का मतलब ही क्या है, आप जाहिर सी बात बताओ, महासागरी प्लेट मतलब ऐसी प्लेटें जो पूरी तरीके से जल राशियों से ढकी हों,
देखिए ज्योग्राफी की भाषा मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरी तरह से क्या हो, जल राशियों से ढकी हो, उनको क्या कहा जाता है, महासागरी प्लेट। अरे जल राशियों से ढकने का मतलब है जिस पर जल हो, ऐसी प्लेट जिस पर जल हो। जैसे हमने आपको लिया था एग्जांपल लेना, 8 प्लेटों में प्रशांत महासागरी प्लेट था, तो प्रशांत महासागर का जो प्लेट है उस पे क्या पानी भरा है, पूरा महासागर का, तो प्रशांत महासागरी प्लेट का जो पानी भरा है बस वो क्या एक प्लेट के नाम से आ गया। तो यही आपको बता रहा है कि ऐसी प्लेटें जो जल राशियों से ढकी हो उनको महासागरी प्लेट कहते हैं, जो जल राशियों से ढकी ना हो मतलब इस पे जल राशि नहीं पाई जाती है, आदमी निवास करता है, ठीक है, खेती बाड़ी काम धाम करता है, उसको महाद्वीपी प्लेट। और संयुक्त प्लेट माने होता है ऐसा प्लेट जिसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हो, महासागरी प्लेट और महाद्वीपी प्लेट दोनों का गुण पाया जाता हो, उनको कहा जाता है क्या, संयुक्त प्लेट। अब आप कहोगे सर एग्जांपल दीजिए, देखिए महासागरी प्लेट का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है आपका, प्रशांत महासागर का प्लेट हो गया, महाद्वीपीय प्लेट का सबसे बड़ा उदाहरण आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिका की प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये हो गए। संयुक्त प्लेट में दोस्तों भारत का प्लेट आप ले सकते हो, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट भी ले लीजिएगा संयुक्त में ले सकते हो। देखो अफ्रीकन को समझिएगा, यहां मैं समझा रहा हूं, देखिए अगर हम संयुक्त प्लेट की बात करें और यहां पे मैं बात करूं इंडियन प्लेट की, तो इंडियन प्लेट के साथ साथ दोस्तों जो उसके अगल बगल के समुद्र हैं, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और नीचे की तरफ हिंद महासागर, इन सभी को समाहित किए हुए है इंडियन प्लेट, इन सभी को मैंने नाम दिया आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहां तक कि पूरी प्लेट एक है, पूरी प्लेट एक है। उसी तरह से अफ्रीका के साथ साथ उसके अगल बगल के जो महासागर है वो भी उसी प्लेट पर है, समझ रहे हैं, इस वजह से इनको नाम दिया गया है संयुक्त प्लेट का, तो इसको भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं आपको एक इमेज बताऊं, मान लीजिए ये आपकी महासागर की प्लेट थी, ठीक है, ये आपके क्या थी, ये महासागर की प्लेट थी, तो महाद्वीप की प्लेट मान लीजिए ऐसे भाई उभार होगा यहां पर, ये आपकी महाद्वीप की प्लेट हो गई। और संयुक्त प्लेट में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब ऐसे महासागर रहेगा और ऐसे महाद्वीप रहेगा, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाता है क्या, संयुक्त प्लेट हो जाएगा। तो उसमें कुछ खास नहीं है, बड़ा सिंपल सा है फंडा, ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो आगे बढ़ता हूं मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संरचना के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। देखिए दोस्तों मैं आज भी आपको समझा रहा हूं, सभी की सभी क्लासेस आपको फ्री में केवल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मेरा अपना मानना है कि शिक्षा के साथ व्यवसाय नहीं होना चाहिए और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना ज्ञान बांटा तभी आज हम लोग जो है बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अगर उन्होंने बांटा ना होता और पैसा लिया होता तो क्या होता, क्या कभी ज्ञान जो है सब तक पहुँच पाता, नहीं। तो मेरा ये अपना मानना है, अपना खुद का मानना है कि मुझे मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है हर एक चीज़ों को पढ़ाना है, जो भी कर सकता हूँ अपना 100% देख के जितना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ उतना करता हूँ। तो हर एक चीजों को मैं खुद भी डिटेल में लेके चल रहा हूं, तो जल्दीबाजी मत करें, आराम से मेरे साथ पढ़ते चलें। अगर वाकई में आप तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं, तो मेहनत तो भैया आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हम मेहनत कर ही रहे, हमारे साथ साथ आप मेहनत करिए। और कितनी अच्छी बात है कि हमारी और आपकी मुलाकात हो पाई, ठीक है, कैसे, आप हमारे लिए क्या हो, अमूल्य हो और आपके लिए मैं भी अमूल्य हूं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन एक स्थिर जगह नहीं मिलता आपको कि कहां जाए जहां में सब मिल जाए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टडी 91 जो आपका भरोसा जीत रहा है और धीरे धीरे अच्छा भरोसा बना भी रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर कितने तरह की प्लेटें होती हैं, अब इनको समझिएगा। संरचना के आधार पर दोस्तों दो तरह की प्लेटें बताई गई, ठीक है, बाकी में तो तीन तीन था, यहां पे दो बताई गई। एक बताएगा दोस्तों बेसाल्ट प्लेटें हैं, मतलब बेसाल्टिक प्लेटें हैं, बेसाल्टिक प्लेट, ठीक है, और दूसरा बताएगा दोस्तों आपका ग्रेनाइट प्लेटें, कौन सी, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट प्लेटें, ये दो प्लेट कहा गया। बेसाल्टिक प्लेटों में कहा गया कि अब बेसाल्ट नाम का एक खनिज होता है और ग्रेनाइट नाम का भी एक खनिज होता है, तो याद रखिए बेसाल्टिक प्लेट जो है ये बेसाल्ट नाम के खनिज से बनी है और ग्रेनाइट प्लेटें जो है ये ग्रेनाइट नाम के खनिज से बनी है। मतलब इनका निर्माण कैसे हुआ, समझा दिया आपको, ये इसी खनिजों से मिलकर बनी है, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, बेसाल्टिक प्लेट और ग्रेनाइट प्लेट। एक चीज आप और याद रखिएगा, फ्री में बता रहा हूं और हमेशा एग्जाम में पूछता है, याद रखिए जो महासागर है, महासागर का जो नितल है, महासागर का नितल मतलब जो महासागर का तल है जिस पर महासागर का पानी भरा हुआ है, भाई ये जो महासागर है चाहे प्रशांत महासागर, लोग कहते हैं गहराई का पता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका तल तो होगा ना,
भाई तल होगा तभी तो पानी स्थिर है। तो जो तल है वो किससे बना हुआ है, तो याद रखिए बेसाल्ट से बना हुआ है। ये महासागरीय तल जो होता है, महासागरीय तल जो होता है किससे बना होता है, ये बेसाल्ट से बना होता है। जबकि महाद्वीपीय तल किससे बना होता है, जिस पे हम लोग रहते हैं, ये जो महाद्वीपीय तल है ये किससे बना हुआ दोस्तों, तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और महासागरों का तल जो है ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि संरचना के आधार पर प्लेटें दो तरह की होती हैं, बेसाल्टिक प्लेटें और कौन सी प्लेटें, ग्रेनाइट प्लेटें। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, यहाँ पर भी घनत्व की बात करूंगा। जिस तरह से शुरुआत में मैंने किया था कि दुर्बलता मंडल पे क्या है, ये जो प्लेटें हैं तैर रही हैं, क्यों? क्योंकि इनका घनत्व दुर्बलता मंडल की अपेक्षा कम है, इस वजह से तैर रही हैं। उसी तरह से याद रखेगा, अगर हम ग्रेनाइट प्लेट की तुलना बेसाल्टिक प्लेटों से करें तो याद रख, हो गया था बीच में टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि अगर हम ग्रेनाइट प्लेट की तुलना बेसाल्टिक प्लेट से करें तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि बेसाल्टिक प्लेट जो होती है वो महासागरीय मितल में पाई जाती है, उनके तल में होती है। क्यों? क्योंकि वो भारी होती है और उनका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होता है तभी भारी होती है, और भारी होती है तभी नीचे होती है। और ग्रेनाइट प्लेटें जो है वो महाद्वीपों वाली प्लेटें होती है, वो हल्की होती है और ऊपर होती है। तो इतनी बातें कम से कम आप याद रखेंगे। अब आपका अगला फोकस ये आएगा कि सर ये बताइए, प्लेट तो समझ गया, अब आपने टेक्टोनिक में समझा कि टेक्टोनिक का मतलब होता है प्लेटों की गति करना, यानी जो प्लेटें हैं ये गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो ये जो प्लेटें गति करती कैसे करती हैं, आपको यही समझना पड़ेगा। तो याद रखिए, आइए आपको बताता हूं प्लेटों की गति के बारे में, प्लेटों की गति के बारे में आपको समझाता हूं, ठीक है। ज्यादा टॉपिक नहीं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है और ये कंप्लीट होने वाला है। प्लेटों की गति की बात करो दोस्तों, तो कुल तीन तरह की गतियां होती हैं। एक होता है अभिसारी गति, क्या नाम है, अभिसारी गति। दूसरे का नाम है अपसारी, अभिसारी और अपसारी गति। और तीसरे का नाम है दोस्तों समानांतर गति, क्या नाम है, समानांतर गति, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए एक एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। अभिसारी गति क्या होता है दोस्तों, जब कभी आप कहीं मेले में जाओ तो आपने सुना होगा लाउड स्पीकर में कि मेले में आए हुए सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। तो अभिनंदन क्या, अभिनंदन माने होता है जो लोग मेले में गए हैं उनका अभिनंदन किया जा रहा है, ठीक है, उनका अभिनंदन। तो याद रखिए अभी, अभी शब्द से याद रखिए, अभी का मतलब होता है जब दो प्लेटें आपस में एक तरफ आ रही हो, नजदीक आ रही हो, एक दूसरे के करीब आ रही हो। जैसे आप हैं सामने, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो सामने एक दूसरे के पहुंचते हैं, हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो हाथ मिलाने के लिए जैसे आप सामने जाते हो, ये दोनों लोगों के बीच में कौन सी गति हो रही है, अभिसारी गति हो रही है। क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है और एक दूसरी प्लेट यहाँ पर है, और क्या हो रहा है, ये प्लेट इधर आ रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। इसका मतलब क्या है, दो प्लेटों के बीच में कौन सी गति हो रही है, अभिसारी गति हो रही है। और अपसारी गति माने क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाएं, अपोजिट जाएं, उनको अपसारी गति बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट और ले लीजिए, ठीक है, एक प्लेट और एग्जांपल में ले लिया, ये प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट क्या है, इस तरह से ले लीजिए, और दूसरी प्लेट इधर जा रही है। तो याद रखिए एक इधर और एक इधर जा रही है, तो इस तरह से कौन सी गति हो रही है, ये अपसारी गति हो रही है। और तीसरी गति है समानांतर। चलिए मान लीजिए एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, ठीक है, जब ये प्लेट इधर जाएगी और ये वाली प्लेट इधर आएगी तो ऐसे में कहा जाएगा समानांतर। देखिए यहाँ अपोजिट था, यहाँ समानांतर की बात हो रही है, ये समानांतर गति हो गया। अब आप कहोगे सर प्लेटों के गति करने से क्या होता है, दोस्तों इसी गति के फलस्वरूप तो पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भूकंप जैसी क्रियाएं होती है। कैसे होता है, सब प्लेटों से होता है। आप कहोगे सर साबित करके दिखा दीजिए, भाई आज तो आपकी क्लास यहीं ओवर होती है, लेकिन आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, कैसे आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए दो ट्रक है, बड़े बड़े वाहन है, वो सड़क पे जा रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे, ठीक है, मतलब समानांतर है, समानांतर है, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं। अब मान लीजिए दोनों टकराए साइड से, तो क्या होगा, यहाँ पे रगड़ करेंगे तो वहां पर ऊर्जा जनरेट होगी। उसी तरह से जब प्लेटें, भाई बहुत बड़ी प्लेटें हैं, अरे इतनी बड़ी प्लेट है कि पूरी की पूरी प्रशांत महासागर ही उस प्लेट पर है। सोचो इतनी बड़ी प्लेट, पूरी भारत से बड़ी प्लेट, अमेरिका से बड़ी प्लेट, पूरी यूरेशिया से बड़ी प्लेट, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें जब
चलेंगी और आपस में दो प्लेटें रगड़ाएंगी तो ऐसे में क्या होगा, उनका साइड जो किनारा होगा, जो सीमांत एरिया होगा, यहाँ पर क्या होगा, घर्षण होगा। और जब घर्षण कम होगा कि ज्यादा, अरे ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा होगा। और जब घर्षण बहुत ज्यादा होगा तो ऊर्जा जनरेट होगी, ऊर्जा विमुक्त होना चाहेगी और वहीं पर भूकंप की क्रियाएं होंगी। यही वजह है कि जापान में भूकंप ज्यादा आता है और भारत में भूकंप कम आता है या ना के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं आपके सामने अभिसारी गति का, कि अभिसारी गति के दौरान क्या होता है, तो चलिए अभी आपको दिखा देता हूं बना के इमेज के माध्यम से। हालांकि ये सब चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये एक प्लेट थी। अब दोस्तों ये भी एक प्लेट है। अब दो प्लेटों में मान लीजिए अभिसारी गति हो रही है, दूसरे के पास आ रही है, कंडीशन वन है, ठीक है। कंडीशन टू कहता है दोस्तों की सभी प्लेटें तराजू से तौली तो गई नहीं है कि एक बराबर प्लेटें, पांच पांच किलो की दोनों प्लेटें, कोई प्लेट भारी होगा, कोई प्लेट हल्की होगा, बताइए। कोई हल्का प्लेट होगा और कोई भारी प्लेट होगा, यह मान रहे हो कि नहीं, कोई हल्का होगा भारी होगा। चलो मान लो ये वाला भारी प्लेट हो गया, ये भारी प्लेट हो गया और एक तरफ मैंने हल्का प्लेट ले लिया, ठीक है, ये हल्का भारी ले लिया। अब क्या होता है दूसरे कंडीशन पे, अब मान लो ये एकदम करीब आ गए, एकदम करीब आ गए, ये हल्का भारी वाले दोनों करीब आ गए। तीसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों, जो भारी प्लेट होगा वो नीचे चला जाता है, जो हल्की प्लेट होगा वो ऊपर चला जाएगा। बताओ मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? कोई इसमें याद क्या करना है, अगर दो प्लेटें आपस में टकराएं सामने से आकर के, तो जो भारी प्लेट होगा उसका दबाव नीचे बनेगा, भाई वजन है ना, वो नीचे जाएगा। हल्का वाला प्लेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, समझ रहे बात को, हल्का वाला प्लेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, भारी वाला नीचे जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये मान लीजिए इधर वाला प्लेट हल्का था, इधर वाला प्लेट भारी था, ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, और ये हल्का वाला प्लेट क्या हो जाएगा, ये भारी हल्का वाला प्लेट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ इस तरह की संरचना बनती है। कालांतर में क्या होता है, यहाँ पर ईंट पत्थर जमा हो जाता है, और ये देखिए, ये अगर आप एक सरफेस मानिए तो ऐसा आकार बना है, यही तो पर्वत है, इसी को आप क्या बोलते हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पर्वत हो गया, और ये जो हिस्सा अंदर गया है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र गर्म है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है, मैग्मा है, तो ये नीचे क्या होगा, जो प्लेट नीचे गई है भारी वाली, वो क्या हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वो मैग्मा में तब्दील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी प्लेट। और यहाँ देखिए वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो जब कभी अभिसारी गति होता है तो अभिसारी गति के दौरान वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। कैसे, ये दो प्लेटों के बीच में दरार होता है, यहाँ पर इस दरार से क्या होती है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, बताऊंगा कैसे होता है कल वाली क्लास में। इसी तरह से अपसारी गति भी होता है। अपसारी गति में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही होती है, कंडीशन वन इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, पहले तो करीब होती है, जब दरार पड़ता है तो अलग होती है, जैसे ही दूर जाती है दोस्तों, थोड़ा सा भी दूर जाएंगी, यहाँ पर मैग्मा आके जम जाता है, यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा आके जम जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, प्लेटें खसकती जाती हैं और मैग्मा यहाँ जमता जाता है, यहाँ मैग्मा जमता जाता है, ये उभार जैसा बन जाता है, इसी को पठार नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पठार नाम दिया जाता है, मैग्मा का लगातार जमा होता रहता है, कह सकते हो नई प्लेटें यहाँ बनती हैं। तो याद रखिए अभिसारी गति के दौरान प्लेटों का विनाश होता है, कैसे, लड़के अंदर चला गया, विनाश हो गया। अपसारी गति के दौरान प्लेटें बनती हैं, जन्म लेती हैं, प्लेटों का निर्माण होता है। तो सारी कहानियां अगली क्लास में आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी होगा कंफ्यूजन तो कमेंट करके बताइएगा, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, बस एक निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में स्कूल के बच्चों को बताइए कि आप वो चैनल पे आए और पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक चीज मैंने आपसे और कहा था कि प्रॉमिस करिए 15 अगस्त को हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, आप सभी भाई बंधु से मुझे रक्षाबंधन का एकमात्र गिफ्ट चाहिए कि आप हमारे यूट्यूब का प्ले स्टोर से आकर के आप क्या करो, लिंक वहां दिया रहेगा, या फिर आपको स्टडी 91 डालने पे भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आप प्लीज वहां करके एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।